आठ ऐसे लोग जिनके पैर नहीं छूने चाहिए। पहले है आपका दामाद। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का उद्धार कर दिया था, तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि कभी भी अपने दामाद से पैर नहीं छुआना चाहिए। भांजा, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया था, तभी से यह नियम चला आ रहा है कि कोई भी मामा अपने भांजे से पैर नहीं छुआएगा। कन्या, कुंवारी कन्या देवी माँ की स्वरूपा होती हैं, इसीलिए कभी भी कुंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए। सन्यासी, सन्यासी कभी भी किसी के पैर नहीं छूता, क्योंकि सन्यासी धर्म सबसे बड़ा माना गया है और सन्यास धर्म जिसने अपना लिया है वह सिर्फ अपने गुरु के पैर ही छूता है, अन्यत्र किसी के पैर नहीं छूता है। अगर कोई लेटा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसके पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि मरने के बाद ही लेटे हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। अशौच अवस्था, यदि कोई व्यक्ति अशौच अवस्था में है अर्थात अशुद्ध अवस्था में है, ऐसी स्थिति में उसके पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। मंदिर में, जब आप मंदिर में हों तब आपके सामने कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना आ जाए, आप उसके पैर नहीं छुएंगे। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।